हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। एंड आज हम बात करेंगे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जॉब के बारे में। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब के बारे में वैसे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वैकेंसी कहाँ से पता चलेगी, कैसे आप इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उसको क्वालिफाई कैसे करेंगे, क्या प्रिपरेशन करके जाना होता है, इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ। बहुत पहले का जो मेरा फर्स्ट वीडियो था, अगर मेरे जो प्लेलिस्ट है उसको स्क्रॉल करेंगे आप तो लास्ट में जाके उसको मिल जाएगा। बट इस वीडियो में मैं क्या हूँ कि जो उसमें चीज़ें नहीं बताया हूँ या जो आप लोगों को क्वेश्चंस आता रहता है कि सर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को जो इंटरव्यू है, एमआर का जो इंटरव्यू, उसको क्रैक कैसे करें, उसको ब्रेक कैसे करें और क्वालिफाई कैसे करें, कैसे सेलेक्ट हों कंपनी में, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई है। तो वो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है कि इसमें मैं आपको क्वेश्चन के आंसर भी बताऊँगा। वहाँ मैंने सिर्फ क्वेश्चन बताया उस वीडियो में, इस वीडियो में आपको उसके आंसर भी मिलेंगे। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, थोड़ा सा स्ट्रेच कर रही है, लंबा वीडियो हो। तो जो लोग सीरियस है इस जॉब के बारे में, जो लोग इस वीडियो सॉरी इस जॉब में आना चाहते हैं और इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे जॉब के, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड चलिए स्टार्टिंग से बात करते हैं, हर एक पॉइंट पे बात करूंगा। हो सकता है कुछ पॉइंट इसमें मिस कर जाए, क्योंकि जो मोटा मोटा क्वेश्चन मुझे लगता है कि हाँ ये कॉमनली पूछा जाता है, उसके आंसर मैं आपको दूंगा। बट उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में रह जाता है या आपके क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में नहीं मिल पाता है, तो आप कमेंट करके वो क्वेश्चन का आंसर मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो प्रोफेशन है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में ब्रीफ करूँ। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का स्पेशली कह दूंगा जॉब प्रोफाइल की मैं बात करूँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मेनली एक ब्रिज की तरह वर्क करता है, किसके, डॉक्टर मीन्स जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके और फार्मा कंपनी के बीच में एक ब्रिज है, एक मेडिएटर है, जो फार्मा कंपनी के मैसेज को, फार्मा कंपनी के मेडिसिन के इंफॉर्मेशन को, मेडिसिन को वो डॉक्टर तक पहुंचाता है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल तक को पहुंचाता है, या हेल्थ केयर की जो सर्विसेज हैं उनको, उस सर्विस को उन तक पहुँचाता है। मीन्स एक कनेक्टिंग ब्रिज की तरह वर्क करता है। तो जनरली यही वर्क होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। अब इस फील्ड में वर्क से रिलेटेड बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, जिसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो है आपको, तो आप वेल ड्रेस्ड होके जाएं। मीन्स आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो अच्छा होना चाहिए, अच्छा इन द सेंस आपका लाइट कलर का शर्ट होना चाहिए, डार्क कलर का पैंट होना चाहिए, नाखून वगैरह आपके कटे होने चाहिए, बाल की कटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, शेविंग प्रॉपर आप करके जाएँ, जो आपका शू है उसको पॉलिश करके जाएँ। यही बेसिक्स जो ड्रेसिंग सेंस आपका है एक, जो क्योंकि इस प्रोफेशन में जब हम आते हैं तो हम डॉक्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो बहुत ही नीट एंड क्लीन रहता है, तो हमारा जो एक ड्रेसिंग सेंस है, जो ड्रेस होता है, एक डिफाइंड ड्रेस है फार्मा प्रोफेशन का, तो आप लोग भी उसी ड्रेस में रेडी होकर तब इंटरव्यू के लिए जाए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट स्टेप है मीन्स आप इंटरव्यू में पहुंच जाएंगे, इंटरव्यूअर के सामने आप बैठेंगे, तो वहां जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मीन्स आप अपने बारे में बताइए। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो इंग्लिश का बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, यहाँ वर्क की वैल्यू होती है, इंग्लिश थोड़ा पुअर है तब भी आपका काम चल जाएगा। बट एटलीस्ट क्या है कि आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो इंग्लिश में, आपका प्रिपरेशन उसकी होनी चाहिए, मीन्स अपना इंट्रोडक्शन आप इंग्लिश में ही प्रिपेयर करके जाएं। अब वो इंट्रोडक्शन के लिए कौन से स्टेप होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, उस इंटरव्यू को और अच्छी तरीके से, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वहाँ जाके आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। शॉर्ट में जो बीए वाले कैंडिडेट हैं, जो नॉन फार्मेसी के कैंडिडेट हैं और शॉर्ट में वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके लिए मैं छोटा सा बता देता हूँ वहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें। तो जनरली इसमें अपना पहले नाम बताते हैं, या मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे के, एक फ्रेशर एज ए फ्रेशर मैं आपको एक अपना इंट्रोडक्शन दे के बताता हूँ, तो आप उस स्टेप को नोट कर लीजिए और अपना इंट्रोडक्शन वैसे ही प्रिपेयर आप कर लीजिएगा। अगर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, आई एम संदीप कुमार सोनी, आई एम 30 ईयर ओल्ड एंड आई एम बिलोंग्स टू इलाहाबाद, माई स्कूलिंग फ्रॉम आल्सो इलाहाबाद, आई हैव कम्प्लीटेड माई मैट्रिकुलेशन मीन्स 10th इन 2012 एंड इंटरमीडिएट इन 2014, आफ्टर दैट आई हैव ज्वाइंड बैचलर इन फार्मेसी कोर्स एंड कम्प्लीटेड इन 2017 विथ 65% मार्क एंड After that, I am interested to join the pharma profession. Because of that reason, I am here for the interview. In my family, my father is a farmer, my mother is a housewife. I have 3 younger brother and 2 younger sister. तो फ्रेंड ये था ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन अपने बारे में। ये इसके बाद जो ये जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे ये पहला क्वेश्चन होता है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आपके सब्जेक्ट्स रिलेटेड आ जाता है, मींस फार्मा में जो लोग आए हैं उनको बॉडी सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। अभी आपको बॉडी सिस्टम का अगर रिप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे, मैं उसका सिंपल वे बता देता हूँ। जो आपने याद किया हो कई बार उसमें मिस्टेक हो जाती है, कई बार गड़बड़ हो जाता है, तो जब
भी आप बॉडी सिस्टम प्रिपेयर करें, आप ऊपर से लेके नीचे की तरफ प्रिपेयर करें। मींस मैं बॉडी सिस्टम के आपको नाम काउंट कराता हूँ। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये अपना जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद यह कार्डियक सिस्टम आ जाता है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, उसके नीचे फिर यूरिनरी सिस्टम आ जाता है, फिर उसके नीचे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है। इसके बाद हम बात करें पूरे बॉडी के, सारा पार्ट हमने बता दिया। इसके बाद हम अलग अलग बॉडी के पार्ट को बताएंगे। जैसे उसके बाद आ जाता है स्केलेटन सिस्टम आ जाता है, इसके बाद मस्कुलर सिस्टम आ जाता है, इसके बाद एंटागोमेट्री सिस्टम आ जाता है, इसके बाद आपका लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी के अंदर आ जाता है। ये सब वैसे काउंट नहीं कर सकते, बट जो स्टेप वाइज है उनको इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। तो ये सारे, इसके बाद यूरिनरी सिस्टम आपका आ जाता है। तो ये सारे सिस्टम बॉडी के जो 9-10 होते हैं, किसी बुक में 9 लिखा है, किसी बुक में 10 लिखा है, किसी बुक में 11 लिखा है, सभी में सही है। किसी को थोड़ा सा इलोबरेट किया तो 11 हो गया, थोड़ा क्रिस्प किया है तो उसको 9 सिस्टम बॉडी के अंदर हो जाते हैं। बुक टू बुक ये बैरी करता है। तो बॉडी सिस्टम के बारे में हो गया। अब आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सपोज करो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, देन आपको क्या रिप्लाई करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो है हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, उसके बाद हमारा जो है फूड कैनाल होते हुए स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर अपना इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन भी दो होते हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन के बाद फिर जो है इनर रूट जाता है। तो ये सिंपल सा छोटा सा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके बारे में अगर डिटेल में आपको जाना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा, बट आपको अगर इंटरव्यू के टाइम पे डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा जाता है तो आप सिंपल वे में बता सकते हैं कि सर डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है, एनल पे खत्म होता है। ओपनिंग जो है फर्स्ट जो स्टेप है वो माउथ है, उसके बाद जैसे मैंने आपको स्टेप बताया स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनल, बस खत्म। इसके बाद आपको सेपरेटली अगर क्वेश्चन करता है कि हाँ व्हाट इज पैनक्रियाज, देन आप पैनक्रियाज के बारे में बताइए। अगर आपको सेपरेट क्वेश्चन करता है कि हाँ लीवर क्या होता है, व्हाट इज लीवर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर, देन आप लीवर के फंक्शन और उसके बारे में बताइए। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम इसको जोड़ के बताने के आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपके बारे में आपको उसके बारे में डिटेल बहुत ज़्यादा पता है तो आप उसको ऐड करिए, अदरवाइज उसको ऐड करके बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उसको बताएंगे तो उसमें आपको कुछ एग्जामिनर जो होता है वो फंसा सकता है, वो टिपिकल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगर आपको पता है तो बता पाएंगे, नहीं पाएंगे तो अपनी तरफ से उसको मौका मत दीजिए कोई भी ऐसा इंटरनली या डीप में जाके आपसे क्वेश्चन पूछे। आप चीज़ों को बहुत ही सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करिए। तो ये होता है बॉडी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, कई बार कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। जैसे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप AB, AB एंड O। अब इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं, इसमें कौन सा डोनर है, कौन सा एक्सेप्टर है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा कौन किसको ब्लड दे सकता है, तो ए वाला ए को दे सकता है, एच वाला ए ग्रुप वाला जो है ए बी ग्रुप को दे सकता है। मीन्स जो ए बी ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, किसी भी व्यक्ति का अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकता है। सेम ऐसे ब्लड ग्रुप ओ होता है, जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो किसी को भी दे सकता है, उसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। तो यूनिवर्सल डोनर मीन्स ओ ग्रुप का जो ब्लड ग्रुप है वो किसी भी पर्सन को ब्लड दे सकता है। मीन्स किसी भी पर्सन को सपोज करो ए है या बी है तो ओ वाले जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति है वो उसको भी ब्लड दे सकता है। तो इस टाइप की कई कई ब्लड से सिस्टम पूछा जाता है। इसके बाद आपका कई बार कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपका हार्ट से रिलेटेड पूछा जाता है कि हार्ट कैसे काम करता है, क्या सिस्टम होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट। देन उसमें आप बता सकते हैं कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, मीन्स 4 चैम्बर हार्ट के अंदर होता है। अब इसके फंक्शन के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद मेन मुद्दे की आती है जहां सब लोग पढ़ते हैं, तब तो बुक से पढ़ सकते हैं आप इजीली, हर जगह मैटर अवेलेबल है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, आप चीजें पढ़ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अभी बात करते हैं मेन जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन अगर एक बार नहीं भी बता पाएंगे तो चलता है, बट इसके बाद जो मेन क्वेश्चन आता है व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का कैसे रिप्लाई करना है वो मैं बता देता हूँ। जॉब प्रोफाइल क्या होता है, जॉब प्रोफाइल का मतलब होता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को वर्क क्या होता है। हिंदी में अगर बताऊँ, पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में समझाऊंगा उसके बाद डेफिनेशन बताऊंगा। जॉब प्रोफाइल मींस क्या वर्क होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम क्या होता है, कैसे वो काम करता है। तो सिंपल सी बात है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, डॉक्टर चैम्बर में जाता है, मींस डॉक्टर को विजिट करता है, अपने ब्रांड को प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करता है, डिटेल करके, मींस ब्रांड के बारे में बताता है, जो उसके एडवांटेज होते हैं, जो उसके बेनिफिट्स होते हैं उनको हाईलाइट करता है। अगर जो उसका कंपटीटर है उसके बारे में उसको नॉलेज है तो उनसे वो कंपेयर करके अपने ब्रांड के बारे में जो अच्छी बातें हैं वो डॉक्टर को बताता है, जिससे क्या होता है डॉक्टर कन्विंस होता है उसके ब्रांड को लिखने के लिए। मींस आप किसी व्यक्ति को जब कन्विंस करते हैं अपनी बातों से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, वो एक प्रकार से आप सिंपल भाषा में डिटेलिंग बोल सकते हैं। और कंपनीज़ एक विजुअलेट देती हैं, एक मतलब प्रोडक्ट डिटेल के लिए एक मैनुअल देती हैं, समझ लीजिए एक प्रकार से, जिससे डॉक्टर को बताया जाता है, उसको हम अपनी भाषा में विजुअलेट बोलते हैं, विजुअल एड।
विजुअल ऐड का मतलब होता है दिखा के किसी चीज़ का ऐड करना, प्रचार करना, इसलिए उसको विजुअल ऐड बोलते हैं। सिंपल भाषा में, मार्केटिंग की भाषा में, उसको कई बार फोल्डर भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव MR लोग बोलते हैं। तो फोल्डर से हम डॉक्टर को ब्रांड को दिखाते हैं और ब्रांड को हाईलाइट करते हैं और उससे प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करते हैं। तो यही है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का मेन वर्क। सब साइड में फिर बहुत सारे वर्क हो जाते हैं, जैसे आपको केमिस्ट विजिट करना है, केमिस्ट पर अपने ब्रांड को अवेलेबल कराना है, एज वेल एज होलसेलर को विजिट करना है, वहाँ पर आपको देखना है आपका स्टॉक है कि नहीं है, होलसेलर से होलसेलर से फिर आपको कंपनी को ऑर्डर प्लेस करना होता है। मंथली आपको एक टारगेट दिया जाता है जिसको अचीव करना होता है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना होता है। प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करने के लिए आपको मार्केट में RCP मीन्स मार्केट में सर्वे करना पड़ता है, कौन सा डॉक्टर क्या लिखता है, कैसे लिखता है, क्यों लिखता है, कौन सी सर्विसेज कंपनी जिसको प्रोवाइड कर रही है जिसकी वजह से वो लिख रहा है, मेरी कंपनी क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, या कंपनी बहुत सारी एक्टिविटी प्लान करती है डॉक्टर कन्वर्जन के लिए, तो वो एक्टिविटीज़ क्या है, कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये सारे बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वर्क के। अब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अगर मैं डिफाइन करूँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जॉब प्रोफाइल को, सिंपली आप इंटरव्यू के टाइम पर बोल सकते हैं, सर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज द जॉब वेयर अ पर्सन या वेयर आई मेनली हाईलाइट द ब्रांड ऑफ द कंपनी या ब्रांड ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनी इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर। जस्ट हाईलाइटिंग द एडवांटेज एंड बेनिफिट्स ऑफ आवर ब्रांड वी जनरेट द प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर। द मेन वर्क ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज टू जनरेट द प्रिस्क्रिप्शन बाई डिटेलिंग आवर ब्रांड, जस्ट हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स ऑफ आवर ब्रांड, मेक द अवेलेबिलिटी ऑफ आवर ब्रांड इन नियर बाई केमिस्ट एज वेल एज डू द केमिस्ट RCPA मीन्स मार्केट सर्वे, नो अबाउट द कम्पिटिटर वाट दे आर डूइंग, वाट द सर्विसेज दे प्रोवाइड टू द डॉक्टर एंड वाई डॉक्टर आर प्रिस्क्राइबिंग देयर ब्रांड्स। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लेस द ऑर्डर एट कंपनी लेवल फ्रॉम द स्टॉकिस्ट। तो इस तरह से आप इंग्लिश में इस सारी चीज़ों को बता सकते हैं। एक चीज़ जहाँ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंग्लिश में ही सारा चीज़ डॉक्टर को इंटरव्यूअर को बताओ, आप हिंदी में बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले हिंदी में बताया कि क्या वर्क होता है, कैसे कैसे काम करता है, तो उसको हिंदी में भी आप बता सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है मैं आपको सिलेक्ट क्यों करूं, एक क्वेश्चन आता है कि मैं आपको ही सिलेक्ट करूं, आपके अंदर क्या ऐसी खास बात है जिसकी वजह से मैं आपको सिलेक्ट करूं। बहुत ही टिपिकल साइकोमेट्रिक क्वेश्चन बोल सकते हैं, इसको साइकोलॉजिकल क्वेश्चन बोल सकते हैं, जिसमें इंटरव्यूअर फंसाने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का कैसे आंसर करना है, इसमें सिंपली देखिए, आप अगर कोई पास्ट में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जहां आपने कोई चीज़ बेची हुई है, सेल की हुई है, तो उसका आप एग्जांपल इसमें दे सकते हैं कि सर मैं फला क्लास में था और वहां पे जो है मैंने ये एक चीज़ ऐसे सेल आउट किया था। अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप उसको बता के कनेक्ट करके बोल सकते हैं कि मैं इस प्रोफेशन के लिए फिट हूँ सर और मैंने ये वर्क किया हुआ है। सेकंड चीज़, अगर आपके इंसिडेंस कभी ऐसा नहीं हुआ तो आप कोई इंसिडेंस बना लीजिए कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने सेल किया था, ऐसा टाइप का एक स्टोरी छोटी सी आप बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि देखिए, थर्ड पॉइंट में क्या है कि आपको कन्विंस करना पड़ेगा सर कि मेरे अंदर सेलिंग स्किल्स है, आप मुझे कोई पेन दीजिए, मैं सेल करके दिखाता हूँ, मुझे ये प्रोफेशन अच्छा लगता है, मैं अपने ग्रोथ के साथ कंपनी के ग्रोथ को भी देखूंगा, कंपनी जब ग्रो करेगी तो मैं भी उसके साथ में ग्रो करूंगा, तो इसलिए मुझे इस प्रोफेशन में लेना चाहिए। तो ये इसका बेटर आंसर होता है। ठीक है, इमोशनली आपको कन्विंस, इमोशनली आपको फंसाने की कोशिश करता है, जिसमें आप इस तरह से इसको रिप्लाई करते हैं। बेटर वे जो है वो सबसे बेस्ट वे है कि आप किसी इंसिडेंस के साथ में अपने आप को जोड़ें और उसको रिप्लाई करें। इसके बाद होता है सैलरी के लिए पूछता है कितना आप सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सैलरी आप बोल सकते हैं कि एज़ पर दी कंपनी नॉर्म्स जो भी होती हैं वो सैलरी आपको चाहिए, क्योंकि अभी आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल ब्लैंक है, तो सैलरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा आप नहीं बता सकते हैं। तो एज़ पर कंपनी नॉर्म्स आप बोलेंगे तो कंपनी का जो फिक्स क्राइटेरिया हुआ उसके हिसाब से आपको सैलरी वहां पे मिल जाएगी। इसके बाद होता है कि आप इस प्रोफेशन में क्यों आना चाहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के प्रोफेशन में क्यों आना चाहते हैं। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का प्रोफेशन फ्रेंड्स ऐसा है कि बहुत सारे मार्केटिंग के प्रोफेशन है मार्केट के अंदर, बट किसी भी मार्केटिंग का जो भी प्रोफेशन है उसके अंदर हमारे कस्टमर फिक्स नहीं होते, कस्टमर अननोन होते हैं। कस्टमर पढ़ा लिखा होगा, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, मतलब इलिटरेट होगा, इलिटरेट होगा, कुछ पता नहीं हो, किस तरह से लैंग्वेज में बात करेगा, हमें अपने कस्टमर के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है।
है। बट मार्केटिंग एक ऐसा, जो फार्मा मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम जानते हैं कि हमारा कस्टमर जो है वो वेल एजुकेटेड होगा, तो हमेशा वो बदतमीजी नहीं करेगा, अच्छे तरीके से हमारी हमें हमारे साथ पेश आएगा। तो इसलिए यह प्रोफेशन जो है और प्रोफेशन के कंपेरिजन में बेटर, जो मार्केटिंग के अदर प्रोफेशन है उनसे यह प्रोफेशन बेटर होता है, इसलिए मैं इस प्रोफेशन में आना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। साथ ही साथ आप डॉक्टर के साथ रहते हैं, डॉक्टर की कम्युनिटी में रहते हैं, तो अच्छे सोसाइटी में आपको रहने का मौका मिलता है, जिससे क्या होगा आपका पर्सनल ग्रोथ भी उसी तरीके से होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आप रिप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको बहुत सारे रीजनिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैथ के क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई वन बाई टू का हाफ कितना होगा। बहुत सारे इंटरव्यू पूछ ले, वन बाई टू का हाफ कितना होगा, तो आप सोच के बताइए कितना होता है वन बाई टू का। बहुत सिंपल है, वन बाई टू मीन्स उसको हाफ करना है, मीन्स वन बाई टू कितना होता है 50 होता है। हाफ मीन्स कितना 50, 50 के भी हाफ कितना होगा 25, मीन्स 1/4। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 10 आम है सपोज करो, 10 आम के साथ आपको 4 फ्री दिया जा रहा है, कितने परसेंट फ्री हुआ, इस टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 40% फ्री हो गया, ठीक है, मतलब 10 के साथ 4 दिए जा रहे हैं 40%। 7 के साथ 4 जा रहे हैं, कैसे निकालेंगे, तो ये खुद कैलकुलेट करके प्रैक्टिस करिए। एक मैंने आपको बता दिया और एक आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिए और इसको थोड़ा सोचिए कि अगर 7 के साथ 4 फ्री मिल रहा है, 7 आम के साथ में 4 आम फ्री मिल रहा है, तो कितने परसेंट फ्री हुआ। क्योंकि इस टाइप की कैलकुलेशन आपको फील्ड के अंदर बहुत करनी पड़ती हैं, फ्री डील्स आती हैं, फ्री गुड्स आती हैं कंपनी की तरफ से, तो वो कैलकुलेट करके डॉक्टर को बताना होता है। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से होनी चाहिए। तो इस टाइप के कुछ सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछ जाती हैं, कई बार कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछ दी जाती हैं। अब इंटरव्यूअर को डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर किस बैकग्राउंड से, अगर फार्मेसी से है तो फार्मेसी की तरफ मूव करेगा, मीन्स आपसे पूछेगा फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक क्या होता है। मैं इसमें भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। फार्माकोलॉजी पहला वर्ड आता है, फार्माकोलॉजी जो फार्मा बैकग्राउंड से लोग आते हैं उनसे पूछा जाता है व्हाट इज द फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी क्या होता है। फार्माकोलॉजी सिंपली द स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑन द ह्यूमन बीइंग, दिस इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। मींस जो ह्यूमंस के ऊपर मेडिसिन की स्टडी की जाती है उसको फार्माकोलॉजी बोलते हैं। इसके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको एक फार्माकोकाइनेटिक है, एक फार्माकोडायनेमिक है। डायनेमिक मींस क्या होता है, आप लोगों से जब भी मैं पूछता हूं इंटरव्यू, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं फार्माकोडायनेमिक फार्माकोकाइनेटिक, तो उसमें KDD में जो एक एग्जांपल दिया हुआ, एक डेफिनेशन दिया है, ड्रग डस टू द बॉडी, इस टाइप की जो डेफिनेशन दी हुई है उसको आप लोग बताते हैं। कृपया ऐसा ना करें, आपको देखो जो चीज़ बता रहे हो उसकी मीनिंग आपको पता होनी, बहुत ही सिंपल है, कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फार्माकोकाइनेटिक 4 पार्ट होता है, फार्माकोकाइनेटिक मेनली ADME होता है। ADME मीन्स एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, मीन जब किसी ड्रग को लिया जाता है उस ड्रग की स्टडी करते हैं, एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ कैसे हुआ, मेटाबॉलिज्म कहाँ कैसे हुआ, ठीक है, उसके बाद AD डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कैसे हुआ, कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे डिटेल्स भी रहे, उसमें मैं अंदर नहीं आऊँगा क्योंकि अंदर जाऊँगा बहुत बड़ा हो जाएगा वो। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुआ, फिर एक्सक्रीशन किस रूट से हो रहा है, स्किन से हो रहा है, यूरिन के थ्रू हो रहा है या फेकल रूट से हो रहा है, तो किस तरह से उसका एक्सक्रीशन हो रहा है, जब इसकी स्टडी हम करते हैं तो उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोडायनेमिक की बात करें, फार्माकोडायनेमिक मीन्स दवा हमारी हमारे बॉडी के अंदर जाने के में काम कैसे कर रही है, हमारे बॉडी के अंदर जब हमने ले लिया दवा को हमारे बॉडी के अंदर कैसे काम करती है, मीन्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है मेडिसिन का किसी को, वो जो स्टडी करते हैं वो फार्माकोडायनेमिक में स्टडी होता है। बहुत सिंपल है, मैंने हिंदी में बता दिया, आप इंग्लिश में जिस तरीके से कन्विंस करके आप इंटरव्यू को बताना चाहें उसको बता सकते हैं। तो यही इसकी डिफिनीशन होती है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी वाला सिस्टम बताएंगे तो वो इंटरव्यूअर अगर फार्मेसी वाला होगा तो समझेगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो इंटरव्यूअर को भी चीजें आप बताए तो सिंप्लीफाई करके बताएं, जिससे कि वो आपको और ज्यादा उलझाए ना उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है टी हाफ, व्हाट इज द टी हाफ, हाफ लाइफ क्या होता है। तो फ्रेंड्स हाफ लाइफ क्या होता है, जितने टाइम पीरियड के अंदर कोई भी सब्सटेंस जो है अपनी लाइफ का हाफ रह जाता है वो उसका हाफ लाइफ होता है। एक साल के अंदर मान लो किसी का हाफ लाइफ 1 ईयर है, तो 1 ईयर के क्या अंदर क्या होगा, वो 5 ग्राम का कोई भी सब्सटेंस वो घट के कितना हो जाए, 2.5 ग्राम हो जाएगा, 2.5 ग्राम हो जाएगा, तो वो उसका हाफ लाइफ होता है। इसके अलावा क्या पूछा जाता है, कई बार इसमें लीथल डोज वगैरह पूछा जाता है, लीथल डोज क्या होता है, जो भी फार्म एक आपने फार्मेसी के अंदर थेरेप्यूटिक विंडो पढ़ा होगा, उस विंडो के अंदर क्या होता है, टी मैक्स होता है, सी मैक्स होता है, मींस उसमें एक ना थेरेप्यूटिक विंडो में 2-3 आपने पढ़ा होगा लेयर डिजाइन किया गया होगा। अभी मैं यहाँ पे कैसे बताऊँ आपको, चलिए मैं एक पिक्चर डाल देता हूँ, स्क्रीन पे आ जाएगा इसका। इसमें जो होता है थेरेप्यूटिक विंडो में जो होता है
तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट जो नीचे वाला होता है उसमें क्या होता है, उस विंडो तक अगर रहता है तो दवा काम नहीं करती, मीन्स उस थेरेप्यूटिक इंडेक्स लेवल पे अगर नहीं पहुंच पाती है मेडिसिन तो वहाँ पे वर्क नहीं करती, जिसका डोज कम होता है। थेरेप्यूटिक विंडो के अंदर जब मेडिसिन जाती है तो उसमें वो एक्ट करती है, मीन्स किसी भी ड्रग का जो हम कंसनट्रेशन डिसाइड करते हैं कितना कंसनट्रेशन लेना चाहिए जिसको एक्ट करे, वो थेरेप्यूटिक विंडो के हिसाब से ही डिज़ाइन किया जाता है। इसके बाद जैसे मैंने आपको वर्ड बोला लीथल डोज, लीथल डोज का मतलब ये होता है कि थेरेप्यूटिक विंडो को भी क्रॉस कर जाए, कंसंट्रेशन मेडिसिन का इतना होना चाहिए कि वो जो थेरेप्यूटिक विंडो उसको क्रॉस कर जाए, मींस खतरनाक हो जाए, वो उसका डोज ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, उसको लीथल डोज बोलते हैं, जो कि क्रॉस कर जाता है, थेरेप्यूटिक विंडो को क्रॉस कर जाता है। ठीक है, अब ये थेरेप्यूटिक विंडो को पहुँचने में जितना टाइम लगता है उसको टी मैक्स बोलते हैं, जितने टाइम में मीन्स तो कोई भी दवा बॉडी में लेने के बाद जितने टाइम में वो एक्शन स्टार्ट कर देती है उसको टी मैक्स बोलते हैं। सी मैक्स होता है जितने टाइम में दवा हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रीट होकर मैक्सिमम कंसंट्रेशन तक पहुंच जाती है उसको सी मैक्स बोलते हैं। वैसे ये सी मैक्स टी मैक्स वाला क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, जब इंटरव्यूअर खुद फार्मेसी किया होता है तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, बट आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। बहुत ही सिंपल है, अगर आप एक बार बुक उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बाद जो फार्मेसी के कैंडिडेट हैं उनसे कई बार कार्डियोवास्कुलर के क्लासिफिकेशन पूछा जाता है कि कार्डियोवास्कुलर जो मेडिसिन है उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था, उसमें 7-8 प्रकार के जो क्लासिफिकेशन आप उसको जाकर पढ़ लीजिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, बीटा ब्लॉकर हैं, इस टाइप के 7-8 जो है उसमें क्लासिफिकेशन दिया गया, उसको जाकर आप रीड आउट कर लीजिए। इसके बाद फार्माकोलॉजी में कई बार एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, तो आप उसको भी जाकर पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से एंटीबायोटिक होते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है, तो इस टाइप के बहुत सारे एंटीबायोटिक होते हैं जिसको आप जाके स्टडी कर लीजिए विद दो तीन एग्जाम्पल के साथ उसको तैयार कर लीजिए। तो जनरली जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं इतना ही किसी भी MR के इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसके बाद एक दो क्वेश्चन अगल बगल से चाहे जो हो जाए, बट जनरली यही क्वेश्चन से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को केयरफुली देखिए, इसको प्रिपेयर करिए, जो चीज़ मैंने बताया है 100% मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी चीज़ों को डिलीवर करेंगे इंटरव्यूअर के सामने, डेफिनेटली आप इंटरव्यू क्वालिफाई करके आएंगे, क्रैक करके आएंगे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो में कोई कमी हो, मीन्स आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, या आपसे कोई क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया हो मैंने उसका यहाँ पर रिप्लाई नहीं किया है, तो वो आप कमेंट में मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर डेफिनेटली कोशिश करता हूँ कि मैं सबको रिप्लाई करूँ वहाँ पर। अदरवाइज अगर आपका आपका आंसर नहीं मिल पाता है, सपोज दैट कई बार बिजी रहता हूँ नहीं दे पाता हूँ, आप मेरा जो कमेंट बॉक्स का वीडियो होता है उसको देखा करिए, उसके अंदर मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे होते हैं सबके मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।